हेलो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में स्मार्टफोन के एक फ़ीचर के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आज के समय में हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें एक अच्छा सा फ़ीचर है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे हमारे पर्सनल डेटा होते हैं या फिर हमारे एप्लीकेशन होते हैं, प्राइवेसी एप्लीकेशन, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई भी इन सब एप्लीकेशन का मिसयूज़ ना करे या सब एप्लीकेशन को ओपन करके इसे रीड ना कर सके, तो इसके लिए आप अपने इन एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड कर सकते हैं, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके इन सब होम स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन शो नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी अपने फ़ोन में व्हाट्सअप, फेसबुक और मैंने अब बैंकिंग जो साइट है, एप्लीकेशन है, मैं उसको हाइड कर रखा हूँ, तो यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप नहीं दिख रहा है, ना ही फेसबुक दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है ये। तो उसे हाइड करते कैसे हैं, तो आइए जानते हैं। हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना होगा। सिक्योरिटी का ऑप्शन ये रहा, सिक्योरिटी पर क्लिक किया। इसके बाद आपको ऐप लॉक पर जाना होगा। ऐप लॉक पे आ गया, ये मैंने पासवर्ड डाला और मैं यहाँ पे मेरी जितनी भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन शो कर रही है। अब इसमें से मेरे कौन कौन से एप्लीकेशन जो कि पहले से ही लॉक हो रखे हैं, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। वो फेसबुक दिख जाएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, कोटक महिंद्रा का मेरा एक एप्लीकेशन है वो दिख जाएगा, फ़ोनपे दिख जाएगा, एंड लास्टली ये है व्हाट्सअप का। तो ये सब एप्लीकेशन मैंने हाइड कर रखी है, तो देखता हूँ ये सब स्क्रीन पर। तो मैंने आपको पहले ही चेक करा दिया है, ये सब एप्लीकेशन तो है नहीं यहाँ पे। तो इसे ये हाइड एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं, कोई कोड डायल करना पड़ेगा, जो कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कोड मैंने ये रखा है, स्टार 4000। ये देखिए यहाँ पे मेरे चारों एप्लीकेशन आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपको होम स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अब कोई एप्लीकेशन अगर आपको हाइड करना है, तो वो हाइड करते कैसे वो मैं दिखा दे रहा हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद सिक्योरिटी सेम ऑप्शन एंड ऐप लॉक इनक्रिप्टेड 4 ऐप। इस समय मेरे करंट में 4 ऐप इनक्रिप्टेड है, तो मैं उसकी संख्या बढ़ाने वाला हूँ। फिर से मैं इस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मेरा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इंटर किया और फिर से ये आ गया। अब यहाँ मेरे इतने सारे एप्लीकेशन है, अब मुझे इनमें से कुछ एप्लीकेशन को लॉक करना है, तो मैं इसमें से फेसबुक हो ही रखा है, मेरी और एक बैंकिंग एप्लीकेशन होगी, हाँ ये आई मोबाइल ICICI बैंक का है, इसे भी मैं हाइड करना चाहता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए, एक तो पासवर्ड वेरिफिकेशन आ गया और ये एक हाइड होम स्क्रीन आइकन आ गया। अगर आप इसे हाइड करते हैं, तो क्योंकि मैं हाइड करने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं हाइड करने के इस वीडियो में आपको हाइड करने का फीचर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हाइड पर क्लिक किया, यहाँ पर डोंट डिस्प्ले रिसेंट टास्क, अगर आप इसको एप्लीकेशन को यहाँ पर ये रखेंगे, तो आपका रिसेंट में जब वो एप्लीकेशन जो वहाँ पर शो करता है, तो वहाँ पर शो करेगा, बट और अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे वो भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, फिर डोंट डिस्प्ले नोटिफिकेशन यूज़ होने करेगा ये, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को यहाँ से बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद फिर से हम हमारे आएंगे, मैंने ICICI बैंक का ऐप अवॉइड किया था, वो ऐप अब आप मुझे आप लोगों को नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। वो ऐप दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर दिखेगा स्टार, ये देखिए ICICI बैंक का ऐप यहाँ पर। तो ये फीचर है, ये फ़ीचर बेसिकली जो मेरा फ़ोन है वो Realme 2 है। तो अगर आप Realme 2 के यूज़र हैं, तो ये तो सेटिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी आपको, और अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपके पास डिफरेंट मॉडल है और डिफरेंट ब्रांड के आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि ये फ़ीचर ना हो, या फिर हो तो उसके लिए ऑप्शन का जो पैटर्न है वो कुछ थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, और अगर आप पर्टिकुलर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और उसमें ये फ़ीचर आपको खोजने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।